हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है निकिताज किचन फूड। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो कुल्फ़ी फालूदा केक का वीडियो है। तो ये कुल्फ़ी फालूदा केक है, हाफ केजी का केक है ये, और इस पे मैंने सिंपल सा जेल डेकोरेशन किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वेनीला स्पॉन्ज बना के लिया है। 6 इंच के केक टिन में मैंने 200 ग्राम वेनीला प्रीमिक्स लेके ये केक स्पॉन्ज बनाया है। तो इसमें मैंने कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया है क्योंकि बाद में मैं इसमें कुल्फ़ी फालूदा का सिरप यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो इस केक में मावा या कुल्फ़ी इसेंस अगर आपके पास है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर की लेयर कट कर ली है और इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसे सोक करने के लिए मिल्क का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने मिल्क लिया है 1/2 कप और उसमें मैंने ये कुल्फ़ी फालूदा का सिरप है उसे डाला है 1 टेबल स्पून, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैंने केक टर्न टेबल को विप क्रीम लगा ली है थोड़ी सी, और केक की जो फर्स्ट लेयर है उसे रख दिया है, और उसे मैं जो हमने मिल्क लिया था उसे मैं सोक कर लूँगी। तो इसे हमें अच्छे से सोक करना है। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी विप क्रीम डाली है और उसके ऊपर मैं ये कुल्फ़ी फालूदा का सिरप डालने वाली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये सिरप जो है ये थोड़ा स्टिकी होता है तो ध्यान से इसे हमें स्प्रेड करना होगा। तो ये होममेड ब्रांड का कुल्फ़ी फालूदा सिरप है। अब यहाँ मैंने केक की जो दूसरी लेयर है उसे भी रख दिया है और उसे भी मैं अच्छे से जो मिल्क है उससे सोक कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी विप क्रीम डाली है और उसके ऊपर मैंने कुल्फ़ी फालूदा का सिरप फिर से डाल दिया है और उसे भी मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। जो मिल्क में हमने कुल्फ़ी फालूदा का सिरप डाला है तो उससे स्पॉन्ज में भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब मैं यहाँ साइड से क्रीम लगा रही हूँ और केक को अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ। अब यहाँ केक की जो तीसरी लेयर है उसे भी मैंने रख दिया है और उसे भी हमें मिल्क से अच्छे से सोक कर लेना है। तो ये सोक हो गया। अब मैंने थोड़ी सी विप क्रीम यहाँ पे डाली है केक को क्रम कोट करने के लिए। अब मैं यहाँ केक को क्रम कोट कर लूँगी। तो इसे क्रम कोट करके हमें 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेना है। तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। अब 5 से 10 मिनट हो गए हैं तो अब मैं फाइनल फिनिशिंग दे रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रीम लेके पहले साइड से इसे फिनिशिंग दे रही हूँ। तो साइड से मैं पहले कवर कर लूँगी। तो साइड से ये अच्छे से कवर हो गया है। अब यहाँ मैंने ऊपर क्रीम डाल दी है और ऊपर से मैं पैलेट नाइफ से इसे स्प्रेड कर रही हूँ। तो अच्छे से हमें इसे प्लेन करना है। तो अब यहाँ मैंने एक जिगजैग स्क्रैपर लिया है और उससे मैं केक को साइड से डिज़ाइन दे रही हूँ। अब यहाँ ऊपर में जो एक्स्ट्रा क्रीम आई है उसे मैं पैलेट नाइफ से हटा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा केक भी अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगा। तो ये फिनिशिंग हो गई है, केक आइसिंग हो गया है। अब यहाँ पे मैंने न्यूट्रल जेल लिया है 1 टेबल स्पून, उसमें मैंने 1 ड्रॉप ही वाइट कलर डाला है, वाइट जेल कलर है ये, और मुझे इसे पिंक कलर में ये जेल बनाना है तो मैं इसमें पिंक कलर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैंने पानी नहीं डाला है तो अब यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ और इसे थोड़ा पतला बना रही हूँ ताकि केक के ऊपर ये अच्छे से स्प्रेड हो सके। तो ये जेल बन गया है। अब मैं इसे एक पाइपिंग बैग में भर लूँगी और ये मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब मैं इसे केक के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ।
तो मुझे पूरे केक को जेल से कवर नहीं करना है। जो मैंने पहला राउंड बनाया है तो उसकी जो बाहर की साइड है उसे ही मैं कवर कर रही हूँ जेल से। इस तरह से देख सकते हैं आप वीडियो में। अब एक प्लास्टिक शीट से मैं इसे स्प्रेड कर लूँगी। तो इस तरह से ये आसानी से स्प्रेड हो जाता है। अब मुझे साइड से ड्रिपिंग देनी है, तो ये मैं साइड से इसे ड्रिपिंग दे रही हूँ जेल से। तो ये ड्रिपिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टार नोज़ल लिया है, इस नोज़ल का कोई नंबर नहीं है, तो उससे मैं रोज़ेट बना रही हूँ छोटे छोटे यहाँ पे। अब यहाँ मैं बॉर्डर बनाने के लिए 46 नंबर का नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे शेल डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। तो ये बॉर्डर बना के हो गई है। अब यहाँ मेरे पास चॉकलेट गनाश है, तो उससे मैं एक छोटा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश से डॉट दे दिए हैं, तो छोटे छोटे डॉट मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और इसे टूथपिक से इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। अब यहाँ मेरे पास कुछ चॉकलेट के डेकोरेशन है, उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये डेकोरेशन मैं इस तरह से लगा रही हूँ। तो ये कुल्फी फालूदा जो केक है ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अब यहाँ मेरे पास कुछ कलरफुल स्प्रिंकलर है, शुगर बॉल्स छोटे, तो उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये केक पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है और सिंपल सा इसका डेकोरेशन है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।